जय श्री कृष्णा। आज गुरुवार के दिन आइए सुनते हैं नर और नारायण की यह कथा। एक असुर था दंबोद्भव। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो। और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्यदेवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंबोद्भव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आएं। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने दो जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों दो शरीरों में होते हुए भी एक थे। दो शरीरों में एक आत्मा विष्णु जी ने एक साथ दो शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंबोद्भव इस वन पर चढ़ाया तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दंबोद्भव ने हंसकर कहा तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच ही में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वह चकित हो गया। अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ही यही जीवित हो
मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे, यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दम्बोद्भव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दम्बोद्भव ने अट्ठास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दम्बोद्भव की समझ में आया कि हजार वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दम्बोद्भव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। हजार साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भाग कर सूर्यदेव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते वहां आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेतायुग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आम तौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्य और दम्बोद्भव दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में दो शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में दो आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दम्बोद्भव भी होने से उसके कर्म फल उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसीलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग ले गए थे।